स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पार्ट वन, भयानक मंजर। रात के 10 बजे हुए थे। हिमाचल प्रदेश के उस बेहद खूबसूरत गांव में दूर से ही लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी थी। गांव नेशनल हाईवे से बहुत दूर नहीं बसा था, लेकिन फिर भी पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण रात होते ही सुनसान हो गया था। गली के नुक्कड़ के पास खड़े होकर दोनों युवक रामू और मनोज चुम्मन चाचा की दुकान पर चाय पी रहे थे। दुकान एकदम चौराहे पर बनी हुई थी। एक लटकती हुई बड़ी सी लालटेन दुकान की शोभा बढ़ा रही थी। चुम्मन चाचा शॉल ओढ़े दुकान पर बैठे थे। हालांकि मानसून का मौसम था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण रात में सर्दी बढ़ जाती थी। रामू और मनोज ने भी हाफ स्वेटर पहना हुआ था। चुम्मन चाचा झुंझलाकर बोले, अरे सरकार इतनी स्कीम बनाती है, 24 घंटे बिजली आपूर्ति फलाना ढिमकाना, फिर भी रात में एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं रहती। आज के जमाने में भी लालटेन जलानी पड़ती है। रामू चाय की चुस्कियां लेते हुए बोला, अरे टेंशन क्यों लेते हो चाचा, अभी बारिश का सीजन है इसलिए बिजली कट जाती है रात में। वैसे इस बार बहुत तगड़ी फसल होगी चुम्मन चाचा, बारिश बहुत अच्छी खासी हुई है इस बार। चुम्मन चाचा थोड़े दुखी स्वर में बोले, इस बार का तो हमारा तो मुश्किल लग रहा है बिटवा, फसल ज्यादा अच्छी होगी नहीं। उनकी बातचीत में दिलचस्पी दिखाता हुआ मनोज बोला, कीटनाशक का ही नहीं छिड़कते हो चाचा, खाद से फसल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वक्त तो लगेगा ही ना। चुम्मन चाचा मनोज और रामू के खाली गिलास वापस लेते हुए बोले, अरे ना बिटवा, फसल खाद से ही बढ़े तभी अच्छा रहता है, भले ही समय लगे लेकिन फसल की क्वालिटी भी तो बढ़िया मिलेगी ना। तभी ऑटो वाला राजू दुकान के पास ऑटो लेकर आया। दिन भर ऑटो चलाने की थकान राजू की शक्ल पर साफ साफ दिख रही थी। राजू रामू को देखते ही बोला, अरे रामू तू यहां खड़ा है, वहां तेरी फसल को न जाने क्या हुआ है। रामू एकदम से घबरा कर बोला, क्या हुआ है बे। पता नहीं, मैं ऑटो लेकर तेरे खेत के पास से निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि पूरी की पूरी फसल सड़ गई है। उन दोनों के बीच में एकदम से मनोज बोल पड़ा, क्या रे राजू पीकर आया क्या, ऐसे कैसे सड़ जाएगी फसल। रामू थोड़ा गुस्से में बोला, अगर ये मजाक है तो ठीक मजाक नहीं है राजू, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। राजू सर पर हाथ रखकर बोला, अरे अपनी अम्मा की कसम मजाक नहीं है, आ मैं तुझे दिखा कर लाऊं। रामू ने चाय का कप वहीं रख दिया और चल पड़ा। ये देखकर मनोज बोला, अरे रुको मैं भी चलता हूं। चुम्मन चाचा बड़ी फुर्ती से दुकान से बाहर आकर बोले, रुक मेरा भी दुकान बंद करने का समय हो रहा है, मैं चलता हूं। तीनों ऑटो में बैठकर राजू के साथ चल दिए। चुम्मन चाचा राजू के बगल में बैठे थे, जबकि मनोज और रामू पीछे वाली सीट पर। जल्दी गांव का आबादी वाला हिस्सा पीछे छूट गया। मकानों पर लटकी हुई लालटेन भी देखना बंद हो गई। अब वो लोग गांव और हाईवे के बीच पड़ने वाले सुनसान इलाके में पहुंच गए थे। दूर हाईवे पर आती जाती गाड़ियां अभी भी दिख रही थी। उस इलाके में घुप अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक केवल झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। राजू ने रामू के खेत के पास ले जाकर ऑटो को रोक दिया। घुप अंधेरे में केवल ऑटो की हेडलाइट से ही फसल का कुछ नजारा दिख रहा था। रामू जुम्मन और मनोज खेत की तरफ पड़े, जबकि राजू ऑटो में ही बैठा रहा। राजू के ऑटो में एक बड़ी वाली टॉर्च पड़ी थी। रामू ने उसे ले लिया और चलाकर इधर उधर देखा। सामने का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। वो पूरे रास्ते यही मनाते हुए आया था कि काश राजू की बात झूठ निकले, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी पूरी की पूरी फसल वाकई में सड़ गई थी। रामू को इस सदमे से उभरने का मौका भी नहीं मिल पाया था कि अचानक चुम्मन चाचा उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से में बोले, सही सही बताना रामू, क्या इस बार तूने अपना हिस्सा घर के बाहर रखा था। रामू चुप रहा, उससे कोई जवाब देते नहीं बना। वो चुम्मन से नजरें चुराने लगा। ये देखकर मनोज भी चिल्लाया, चुप काहे है बुड़बक, जवाब दे, रखा था हिस्सा घर के बाहर।
अमो हकलाते हुए बोला, वो दरअसल इस बार मैं भूल गया था चचा। जुम्मन के हाथ रामू के गिरेबान पर और कस गए। वो दांत भींच कर गुस्से से बोला, भूल गया था हरामखोर, ये भूल गया कि साल के इस वक्त हमें अपनी फसल का एक हिस्सा खेत से काटकर घर के दरवाजे पर रखना पड़ता है ताकि पिशाच का प्रकोप गांव पर ना फैले। अब तू तो मरेगा ही साथ में, पूरा गांव मरेगा, पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। रामू थोड़ा सा घबराया सा था, अब उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। हंसते हुए बोला, कौन सा पिशाच चचा, किस पिशाच से खौफ खाकर साल के इसी नियत समय पर हर बार गांव वाले फसल का आधा हिस्सा घर के बाहर रख देते हैं। मैंने तो ना देखा कभी उस पिशाच को, तो क्यों मैं ऐसी अफवाह के चलते अपनी मेहनत का एक हिस्सा हमेशा अपने हर साल घर के बाहर रखूं। मनोज अपना माथा पीट कर बोला, अरे मूर्ख इंसान, पिशाच तुझे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि फसल हमेशा सब लोग समय पर दरवाजे पर रख देते थे, लेकिन अब पिशाच का क्रोध पूरे गांव को लील जाएगा। रामू ने चिढ़कर उसे कहा, काहे अंधविश्वास फैलाते हो बे तुम लोग, फसल का एक हिस्सा न रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोई पिशाच है ही नहीं। मनोज का चेहरा लाल पड़ गया था। वो बोला, तुझे हमारी प्राचीन लोक कथा का सम्मान करना चाहिए था रामू। कई सौ साल पहले एक पिशाच का आतंक पूरे गांव में फैला था। वो साल के बस एक दिन आता था और ग्रामीणों को मारकर उनकी फसल ले जाता था। इस भयानक पिशाच से निपटने का यह तरीका हमारे पुरखों ने ही निकाला था कि फसल का कुछ हिस्सा घर के बाहर रख दिया जाए, इससे पिशाच को जो चाहिए वो उसे मिल जाएगा। अब गांव वाले भी साल के एक दिन किसी तरह के दुर्भाग्य का शिकार होने से बचे रहेंगे। लेकिन तूने आज इस प्रथा का उल्लंघन कर दिया, अब तो न जाने कैसी मुसीबत आएगी गांव पर। रामू मनोज से बोला, ये पहाड़ी लोक कथा मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग शायद इन चीजों को ज्यादा ही गंभीरता से लेते हो। अरे फसल खराब होने का कारण खराब क्वालिटी का कीटनाशक भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ये किसी काल्पनिक पिशाच का ही किया धरा हो। जुम्मन गुस्से में बोला, ये जिसे तू काल्पनिक पिशाच कह रहा है ना, उसे कुछ लोग फसल का देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि पेशा चिकचकतियों की वजह से ही कम बारिश में भी इस गांव की फसल बेहतरीन होती है। बदले में पेशा चाहता है तो बस फसल का एक हिस्सा। तुझे एक हिस्सा देने में इतनी तकलीफ हो गई? रामू ने जवाब दिया, बात एक हिस्से की नहीं है जुम्मन, अगर गांव वाले किसी बेतों की बात में विश्वास करना चाहते हैं तो करें, आप सभी लोगों से तो इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते ना। मैं नहीं मानता किसी फसल के देवता को, जिसको जो करना है कर ले। तभी रामू को गुस्से से घूरते मनोज और चुम्बन की आंखों में डर नजर आने लगा, वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। रामू उनके चेहरे के बदलते भाव को देखकर बोला, अरे अब तुम लोगों को क्या हुआ, इतने घबरा क्यों रहे हो? तभी रामू ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। किसी की तेज सांसों को वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वो पूरी तरह पीछे मुड़ पाता, तेज धार वाले नाखून उसकी गर्दन काटते चले गए। गर्दन से ज्यादा खून बहने के कारण वो वहीं गिर पड़ा। उसके मुंह से रक्त की धार फूट पड़ी। अब जुम्मन चचा और मनोज बुरी तरह चीखे और तेजी से भागते हुए राजू के ऑटो के पास पहुंचने के लिए दौड़ने लगे, क्योंकि थोड़ा सा दूर खड़ा था। जुम्मन दूर से ही चिल्लाते हुए बोला, ये राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू ने तो जैसे उनकी बात को अनसुना ही कर दिया। जुम्मन और मनोज जल्दी से ऑटो के अंदर बैठ गए। वे बोले, ये राजू क्या हुआ, जल्दी ऑटो चलाना, भयानक पिशाच ने रामू को मार डाला, हमें गांव जाकर सबको उसके बारे में बताना होगा, तबाही आने वाली है गांव में, तबाही। राजू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर घबराहट का कोई भी भाव नहीं आया। मनोज उसे हिलाकर बोला, ये राजू तू ऑटो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, तूने सुना नहीं हमने क्या कहा? राजू ने धीरे से अपना सर पीछे घुमाया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इतने भयानक माहौल में भी राजू को मुस्कुराता देखकर चुम्मन और मनोज कुछ समझ नहीं पाए। तभी एक विशाल भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे चुम्मन की गर्दन पर जाकर कस गया।
चुम्मन ने लाख कोशिश की छूटने की, लेकिन वो हाथ उसे ऑटो से बाहर खींचने में सफल हो गया। मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर चुम्मन की मदद करने के लिए भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। 7 फीट का हल्की लाल त्वचा वाला बेहद पतला दुबला सा प्राणी चुम्मन के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। पूरे वातावरण में झींगुरों की आवाज के साथ चुम्मन की गर्दन का मांस चबाए जाने की आवाज भी शामिल हो गई थी। चुम्मन का शरीर थोड़ी देर तक थरथराता रहा और अंततः शांत हो गया। यह भयानक दृश्य देखकर मनोज पूरी तरह से चढ़ हो गया। अचानक उस भयानक पिशाच ने चुम्मन की गर्दन से मांस उधेड़ना बंद कर दिया। उसे भी पीछे खड़े मनोज की उपस्थिति का आभास हो चुका था। वो उठा और मनोज की तरफ मुड़ा। उस लंबे और असामान्य रूप से पतले पिशाच को देखकर मनोज के मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। उस पिशाच के पतले चेहरे पर एक जोड़ी भयानक काली छोटी छोटी आंखें थी। पतले लेकिन लंबे कान, छोटी सी नाक और भयानक पैने दांत। इतना विकृत चेहरा देखकर किसी के भी सिट्टे पिट्टे गुम हो सकती थी। पिशाच कुछ कर नहीं रहा था, बस मनोज को देख रहा था। मनोज धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ा और पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो 7 फीट का पिशाच असामान्य रूप से तेज था। उसका भयानक पंजा भागते हुए मनोज की छाती चीर कर आर पार हो गया। मनोज के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो भी वहीं ढेर हो गया। मौत के इस तांडव के बाद राजू ऑटो से निकला, पिशाच के पास जाकर पहले सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और फिर घुटने के बल बैठकर बोला, हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको 3 व्यक्तियों की बलि मिल चुकी है, जिनमें से एक ने 100 साल पहले बने नियम का उल्लंघन भी किया था। उम्मीद है कि इनके रक्त ने आपके क्रोध को शांत कर दिया होगा। अब बस इस गांव पर रहम खाइएगा, आगे से कोई दरवाजे पर फसल ना रखने की गलती नहीं करेगा। पहली और आखिरी भूल समझकर इस गांव को एक और मौका दे दीजिए। पिशाच कुछ पल रुका, उसने अपना भयानक हाथ उठाया और राजू के सिर पर रख दिया, मानो कह रहा हो कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। इसके बाद वो मुड़ा और अविश्वसनीय गति से भागते हुए उसी अंधकार में गुम हो गया जहां से वो आया था। राजू भी अपना ऑटो मोड़कर वापस चल दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो आज का एपिसोड होता है यहीं खत्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।